मोबाइल फोन ईयरपीस दोष। मोबाइल फोन ईयरपीस दोष आमतौर पर निदान करने के लिए आसान है और समय के सबसे अधिक दूर करने के लिए काफी आसान कर रहे हैं। मोबाइल फोन ईयरपीस दोष निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है। आप फोन करने वाले सुन नहीं सकता, कॉल करने आवाज विकृतियां समझने के लिए मुश्किल है, कॉल करने वालों की आवाज भी चुप है। अपने मोबाइल फोन उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी प्रदर्शित करना चाहिए। पहली बात पता लगाना है कि समस्या अपने मोबाइल फोन और कॉल फोन के साथ नहीं के साथ वास्तव में है। हो सकता है लक्षण सबसे कॉल करने के साथ होती है या लक्षण केवल एक विशिष्ट फोन करने वाले के साथ होते हो। लक्षण केवल एक विशिष्ट फोन करने वाले के साथ होते हैं तो समस्या कॉलर्स फोन के साथ हो सकता है। अपने फोन ईयरपीस मात्रा को ठुकरा दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए अपने फोन ईयरपीस मात्रा एक स्वीकार्य स्तर पर है कि जांच करें सबसे फोन के साथ ईयरपीस मात्रा केवल या तो फोन के पक्ष में समर्पित मात्रा कुंजी या मुख्य कीपैड फोन पर दिशात्मक तीर कुंजी का उपयोग करने के साथ एक कॉल के दौरान समायोजित किया जा सकता है। आप एक कम रिसेप्शन क्षेत्र में हैं या फोन करने वाले एक कम रिसेप्शन क्षेत्र में हैं। कमजोर नेटवर्क सिग्नल आवाज के लिए एक मोबाइल फोन कॉल के दौरान ब्रेकअप के लिए सबसे सामान्य कारणों में से एक है। ईयरपीस अविरुद्ध है। ईयरपीस छेद आसानी से आमतौर पर सिर्फ फोन के स्क्रीन के ऊपर फोन के मामले में छोटे छेद की एक श्रृंखला से सबसे मोबाइल फोन पर पहचाने जाते हैं। आप इन छेद का पता लगाने कर सकते हैं। जांच करें कि छेद फोलाना या जमी हुई मल द्वारा अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। वे अवरुद्ध कर रहे हैं तो एक नरम टूथब्रश या इसी तरह लागू करने के साथ छेद की सफाई की कोशिश। हालांकि छेद में कुछ भी भगाव नहीं के रूप में आप ईयरपीस या फोन के अन्य घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है। सावधान रहना। आप ऊपर यकीन है कि अपने मोबाइल फोन के ईयरपीस दोषपूर्ण है पड़ने के बाद तो यह जगह की आवश्यकता हो सकती है। सबसे मोबाइल फोन पर यह एक आसान और सस्ती मरम्मत की है, लेकिन वहाँ अपवाद हैं।